देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दूर रहो, दूर रहो। बालो, पकड़ बच्चे को। जी भाई। खबरदार, हम कह रहे हैं दूर रहो। ओ मैडम, हमारे साथ होशियारी नहीं। वैसे भी हम बहुत खून कर चुके हैं, अगर पकड़े भी गए तो ज्यादा से ज्यादा हमें फांसी की सजा होगी। अब अगर ऐसे में हमने 2-4 खून और कर दिए तो हमारा क्या बिगड़ेगा? ए बालू, पकड़ बच्चे को। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ छोड़ते हैं आप, हाँ छोड़ते हैं हम, आपको जो चाहिए आप ले जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, इसे छोड़ दीजिए। अरे मैडम, बच्चे ही तो बड़ों की कमजोरी होते हैं। बालू, संभाल इस छोटी चार्ज को। नहीं, पीछे छोड़। भाभी जी, सब्जी काटने वाले चाकू से हमें मारने का सपना देख रही हैं, लो काटो। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। को सबक सिखाना पड़ेगा। चाकू फेंक दिया, छोड़ दीजिए। अब चुपचाप हमारी बात मानती हो या फिर हम अपने तरीके से समझाएं? चलो हमारे साथ। चलो, समझ नहीं आया भैया जी क्या बोले? चलो, हमें बचाओ आंटी। देखिए छोटा बच्चा है, वो डर जाएगा। शुभ, अप्पू, कहीं वो क्रिमिनल्स घर के अंदर तो नहीं? मुझे अभी पुलिस को फोन करना होगा। Damn it, सिग्नल भी नहीं है। अभी कुछ आवाज़ें सुनी, कहीं वो क्रिमिनल्स। क्या वो अंकल यहाँ चलो? शायद 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 वो क्रिमिनल्स घर के अंदर आ गए। लेकिन पैनिक करने की बात नहीं है, तुम एक काम करो, जाके अम्मा के कमरे में चिप जाओ। भरोसा है ना आपको? तो प्लीज अंदर जाइए, मैं लेकर आता हूँ। लोगों में से तुम्हें मार देंगे। नहीं नहीं, जब तक हम हैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पता घर में और कौन कौन है? जी, कोई नहीं है। इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले तो नहीं हो सकते, और भी लोग होंगे। बालू, इधर उधर देखो, कोई ना कोई तो होगा, सब चौकन्ने रहना। आखिरी बार पूछ रहा हूं, जल्दी बता और कौन कौन है? अगर कोई दिखा ना तो उधर ही ठोक दूंगा। कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं मैं इन सबको? मेरे साथ होशियारी नहीं, वरना दोनों को यहीं उड़ा दूंगा। ए, जाकर देखो उधर कोई है, जल्दी जल्दी। जल्दी बोलो, और कौन है घर में? ए, जल्दी जाकर देखो कोई है उधर।
दरवाजा बंद किया या नहीं? ए, हिलना मत यहां से। कोई मिला? जी भैया जी। मिला कोई? नहीं भाई। अब तू खुद बुलाएगी सबको। बुला। चुप। मामा। जीजी। चुप। चुप। जीजी। क्या बात है? हमसे लुक्का छुपी खेल रहे थे। क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? अगर एक शब्द भी और बोली ना तो इधर ही टपका दूंगा इसे। ए, तभी से बात करो। यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, चुपचाप जाके वहाँ खड़ा हो जा, आपकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं तेरा, उठ। बंदूक पीछे रखिए, आप लोग फैमिली है। ज्यादा होशियारी नहीं। इस अपराजिता की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। बीच में आ। ए, लाइट चालू कर। जी भैया। आप सब चाहते क्या हैं? देखो, हमें तुम लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी तक हमारी खबर न्यूज पर आ चुकी होगी और तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग कौन है। और अगर पता नहीं है तो बता देते हैं। बालू जी भाई, जरा इंट्रोडक्शन तो दे अपना। जी भैया जी, इनका नाम है जग्गा उर्फ भैया जी। 14 मर्डर, 50 किडनैपिंग, लूट, डकैती। अब मैं क्या बताऊं? बताऊंगा तो सुबह हो जाएगी। भैया जी हमारे कमाल के हैं। बस बस, अब मुद्दे पर आता हूं। बात दरअसल ये है कि पुलिस हमारे पीछे कुत्ते के माफिक पड़ी हुई है। हमें एक रात छुपने के लिए जगह चाहिए। बदले में हम तुम्हारी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और सुबह होते ही हम जल्दी से निकल जाएंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है ना। आप रुकिए, बेशक रुकिए ना, लेकिन ये बच्चा डरा हुआ है और ये औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए कमरे में। मैं रुका हूँ आपके साथ, मैं पूरी रात यहीं आपके साथ बैठा रहूंगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, डील के बदले डील। ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये बता, घर में और कौन कौन है? कोई कोई नहीं है। कोई नहीं, फिर इतना डर क्यों है? मतलब हमारी अम्मा हैं, बहुत बूढ़ी हैं, बीमार हैं, बिस्तर पे लेटी हुई हैं, वो चल फिर नहीं सकती हैं, तो आपको देखकर वो डर जाएंगी, तो हम नहीं चाहते कि आप उनके कमरे में जाएं। बालो। जी भाई। नत्ता। जी भैया जी। ऊपर जाकर देखो, अगर कमरे में बूढ़ी माँ जी के अलावा कोई और हो तो सीधा ठोक देना। काट देंगे, मार देंगे भैया जी। ए, रुको, ऊपर कोई नहीं जाएगा। बकवास बंद कर। कमरे में कोई नहीं जाएगा। मम्मा, चुप क्यों करे भाई साहब? गलती हो गई। हम इनको समझाते हैं ना, हम समझा लेंगे इनको। गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। आप जाइए भैया, आप जाइए। कोई नहीं जाएगा अम्मा के। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम बात करते हैं ना इनसे, हम करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त जोश नहीं हो से काम लेने की जरूरत है। बच्ची अम्मा के कमरे में? क्या हम लोग कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? ऊपर जाने, ऊपर मशीनें हैं अम्मा की, वो मशीनों को मत छेड़ना। और साथ में बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं, वो दवाइयां अलग अलग रखी हुई हैं, वो उनको हम अलग अलग करके रखे हुए पूरे। ए, आराम से बोल, बहरे नहीं हम लोग। जी ए, अम्मा जी को हम संभाल लेंगे। चल मैं तू।
अम्मा सो रही हैं। वो हे भोलेनाथ, बस हमारी आवाज बच्चों तक पहुंच गई हो। आप ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन मशीनों को मत छेड़ना। सुना गया तुम लोगों को? आई थिंक मम्मी हमें सिग्नल दे रही है। दी, वो लोग ऊपर ही आते होंगे। चलो जल्दी चुप। मम्मी उनके आने से पहले चुप होगा। आशा तुम उधर जाओ। इधर ही मत जी। उषा, तू क्या कर रही हो? मैं ना मॉनिटर में दादी की हार्ट बीट बढ़ा रही हूँ ताकि दादी क्रिटिकल तो लगे और उन्हें मम्मी की बातों पे विश्वास भी हो जाए। तुम ये सब छोड़ो, उन लोगों पे ढूंढ लेके चलो। चुप हो। चलो 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 अंदर चलो। अर्जुन तुम्हें क्या? अरे तुम जाओ अंदर और बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं अभी खोल दूंगा। अच्छा लॉक है, लगता है अंदर खूब माल रखा हुआ है। एक काम करते हैं, लॉक तोड़ के देखते हैं। ओए, अंदर का माल अंदर रहेगा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई और है। पहले हम दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं, यहाँ का माल कहीं नहीं जाएगा। अजा ठीक है। क्या जरूरत थी तुम्हें हीरो बनने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो बाकी सबको सेव करता या खुद के बारे में सोचता? काम ना, ये सब बातें तुम लोग बाद में करना। वहां पे मम्मी फंसी हुई थी, मुझे मम्मी को बचाना। अरे मैं केयरफुल रहूंगी ना, कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। वहां पे चलेंगे तुम्हारे साथ। आप नहीं चलोगे दी? नहीं दीदी, ये सही कह रही है दिशा, और मैं चल जाती हूं। आप लोग क्या हीरो से? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें कुछ हो गया तो। पर मैं दिशा को अकेले कैसे, आई मीन मैं किसी को भी अकेले कैसे जाने दे सकता हूं? तुम यूं आ रहे हो, मैं आ रहा हूं। ये व्हाटएवर में तो पता नहीं मोहनदार भी कहां पे, कहीं वो भी गुंडों के साथ तो नहीं फंस गए? मैं भी चलती हूँ। चल आप और आशा दादी के साथ रुको। हमें हमारी सेफ्टी के लिए कोई सॉलिड प्लान चाहिए और हथियार भी चाहिए होंगे। बिल्कुल सेफ रहना होगा, नहीं तो हम सारे फंसेंगे। चलो तो नहीं हरी है कुछ स्टेप्स की, लगता है चला गया। मैं यहाँ नहीं छुप सकती, पर कहाँ जाऊँ? प्लीज कॉल, मुझे बचा लो। प्लीज कॉल, मुझे नहीं मरना। प्लीज सेव मी, सेव मी, सेव मी। क्या भाई? अरे यार लंबू, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सुनो, फर्स्ट एड बॉक्स है घर में, हमारे भैया जी को थोड़ी सी चोट लग गई थी रास्ते में, चाहिए? हाँ हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स है ना हमारे पास, हम अभी लेकर आते हैं। जल्दी बॉक्स में कटर रखा हुआ है, उसके नजदीक तक जाने का मौका मिले तो काम हो सकता है। जल्दी निकालो, क्या सोच रहे हो? हम आप कहें तो हम लगा भी देते हैं, अच्छे से लगा देंगे, हमको पट्टी करनी बहुत अच्छी तरह से। अरे क्या उल्टा सीधा प्लान चल रहा है तेरे माइंड में? अरे एक्शन करने के लिए तेरा पति है ना, मार धाड़ का काम उस पर छोड़ दे। लंबू बॉक्स ले यार। जी ले। तुम खड़ी क्या हो? पीछे आओ, यहाँ पीछे आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक कह रहे हैं ये लोग। सुना मर्द क्या कह रहा है?
एकदम सही कह रहा है, औरतों को मर्दों की मुट्ठी में होना चाहिए। मैंने थोड़ी बड़ा उसने बोला है, और सुनो इन लोगों को ना कम स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। घर में कहीं भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये लोग जैमस लगा के बैठे, पूरी तैयारी करके हैं। अपने आप को बचाने के लिए अगर हमको मारना पड़ा ना तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आपको क्या लगता है हम इनका साथ दें उसके बाद भी इनका काम हो जाने के बाद हमको छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे नहीं। मुझे जाने ऐसे। साइलेंट बंद कर इसका, वरना हमेशा के लिए चुप कर दूंगा इसे। ए, मेरे बच्चे को कुछ कहा ना तो देख लेना। अला फाड़ रही हो हमारे सामने, अभी रुक तू, बताता हूँ मैं। तो मेरे बच्चे को बोला क्यों? दीदी हम समझाते हैं, आप समझिए, हम कर रहे हैं ना, क्या समझाते हैं? तुम क्या बात करना चाहते हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। केक का लालच देके मेरे बच्चे को नीचे कमरे से बुलाया, और फिर तुम्हारी वजह से गुड्डे भी आए होंगे। खोल दिया होगा कोई दरवाजा खिड़की? ये मंगलसूत्र पहनने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारी वजह से आज हमारे बच्चे पे गंद आने खड़े हैं ये लोग। बंद करो तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा। गंबू जी, भैया जी, यार बहुत जोर की भूख लगी है, जाके फ्रिज में देख जरा। जी भाई अभी लाता हूँ। हाँ हाँ फ्रिज में है ना? है। नहीं नहीं मतलब फ्रिज में नहीं है। मतलब आप फ्रिज का क्या खा रहे हैं हमसे बताइए, हम आपको ताज़ा ताज़ा बना देंगे ना। अब बस आप इस बच्चे को, वो बहुत डर गया है, अब उसे आप कमरे में तो भेजेंगे नहीं, तो क्या यहीं वो बैठ जाए हेडफोन्स लगा के ऐसे अपने फ़ोन पे गेम खेल सकता है ताकि थोड़ा शांत रहे? भैया जी बच्चे को खेलने दीजिए ना, भाभी जी ने सच कहा था, इनाम समझ के परमिशन दे दो। वैसे भी कमरे में अम्मा जी हैं, बेचारी बहुत बीमार है, खाने के लिए बोल रही हैं, पेट में चूहे भी घूम रहे हैं। लगता है फिर से कुछ प्लान चल रहा है आपके दिमाग में। किधर है वो इसका खिलौना हेडफोन? वो वहां ले छोटा सा, ये लो बेटा। एक काम करो, इन सबको बांधो एक साथ, जी भैया जी। भागने की क्या जरूरत है, सब यही है आपके सामने, हथियार आपके पास है। ये चुप कर, बांधने दे। हाँ भैया आप हमारा हाथ बांधेंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे? ये लोग हमको जान से मारना चाहते हैं, तुम इनके आओ भगत में लगी हो। भैया जी ये औरत हमें उल्लू बना रही है, जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं है, खाने में बेहोशी का दवा मिलाने का प्लान है इसका। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं है ही नहीं। हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि मेहमानों की आवभगत करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। वैसे ऑफर बुरा नहीं है, और रही बात चालाकी की, तो ये जो भी बनाएगी सबसे पहले इसका बच्चा खाएगा। हमारी तो खोपड़िया में आप जैसा दिमाग घुसता ही नहीं है, इतना बादाम पिंकुनी ने खिलाया हमें। अच्छा तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हमें अपने बच्चों को बचाना है, अगर इनके लिए खाना बनाएंगे तो ये हमको बांधेंगे नहीं, अगर हमको बांध दिया तो बच्चों को बचाने का सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये चलो शुरू हो जाओ तुम लोग, जब तक तुम लोग खाना बनाओगी तब तक ये हीरो और ये छोटा रिचार्ज हमारे साथ रहेंगे। ये आंटी तुम भी इनका हाथ बढ़ाओ। मेरा बच्चा। जी जी आप जाइए ना, मैं हूँ शुभ के पास। चलो चलो थोड़ा ज्यादा बनाना खाना, बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग। भैया जी ये देखो कौन मिला है, देखो देखो घर के अंदर में कौन मिला। अक्षर अक्षर
बहुत होशियार है, भाग रही थी पर मोगिया की नजर से कैसे बचती, उधर ही दबोच लिया। हे भगवान, मोहिनी तो पकड़ी गई है, अब बस हमारे बच्चों पर नजर ना पड़े इनकी। क्या बोल रही थी तू कि घर में कोई भी नहीं है, फिर ये क्या आसमान से टपकी? मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती है पहली बार जेल कब गया था? जब मेरी चाची ने मुझसे झूठ बोला था, सरे बाजार उसकी गर्दन काट दी थी। फिर से चेक करो पूरे घर में। जी भैया जी। कोना कोना छान मारो, जो भी मिले मार डालो। अब कैसे बचाएं हम अपने बच्चों को? हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।